2017 की तुलना में 2018 बॉलीवुड के लिए अच्छा रहा। सफल फिल्मों का ग्राफ ऊंचा हुआ है। 2018 की खास बात ये रही कि फिल्में स्टारों के दम पर ही सफल नहीं हुई, बल्कि उनकी अनोखी कहानी और प्रस्तुतिकरण के बलबूते पर भी फिल्म सफल हुई है। आइए बात करते हैं ब्लॉकबस्टर, सुपरहिट, हिट और फ्लॉप फिल्मों की। ब्लॉकबस्टर फिल्में, ब्लॉकबस्टर फिल्में वो होती है जिसमें फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हर वर्ग को भरपूर पैसा मिले, चाहे वो निर्माता हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, सिंगल स्क्रीन के मालिक हो या फिर मल्टीप्लेक्स वाले हो। इन फिल्मों को देखने के लिए खूब दर्शक आते हैं, जिससे कैंटीन वाला भी कमा लेता है और साइकिल कार स्टैंड वाला भी। रणबीर कपूर की संजू बिना किसी छुट्टी वाले दिन या त्योहार पर रिलीज हुई और रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। रणबीर के करियर की ये सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई है। कुछ ऐसा ही हाल रहा पद्मावत का। तमाम विरोध के बावजूद पद्मावत का प्रदर्शन हुआ और दर्शकों ने फिल्म को सफल बनाकर विरोध करने वालों को ठेंगा दिखा दिया। सुपरहिट फिल्में, सुपरहिट फिल्मों की श्रेणी में देखा जाए तो इस फिल्म में ऐसी फिल्मों के नाम हैं जिनमें बड़े स्टार नहीं हैं। ये कंटेंट बेस्ड फिल्में हैं और इन्होंने बेहतरीन कमाई कर दिखा दिया कि फिल्मों के चलने के लिए अच्छी कहानी, स्क्रिप्ट, अभिनय और निर्देशन की भी जरूरत नहीं होती। केवल सितारों के बल पर ही सफल फिल्में नहीं बनाई जा सकती। बधाई हो ने दर्शकों को खूब हंसाया और परिवार सहित इस फिल्म का आनंद लिया गया। स्त्री ने भी खूब कमाई की। राजी में केवल आलिया भट्ट सितारा थी और नायिका प्रधान फिल्म होने के बावजूद ये 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करने में कामयाब रही है। सोनू के टीटू की स्वीटी युवा वर्ग के लिए बनाई गई थी और उन्होंने इस फिल्म को हाथों हाथ लिया। टाइगर श्रॉफ अभिनीत फिल्म बागी 2 की कामयाबी ने फॉर्मूला फिल्मों के दबदबे को दर्शाया। द फिल्म 2.0 के हिंदी वर्जन ने भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और इस फिल्म का हिंदी वर्जन सुपरहिट साबित हुआ। हिट फिल्में, आयुष्मान खुराना की थ्रिलर मूवी अंधाधुन ने अच्छे खासे दर्शक जुटाए। जॉन अब्राहम की परमाणु और सत्यमेव जयते अलग अलग जॉनर की फिल्में होने के बावजूद हिट रही। वरुण धवन और अनुष्का शर्मा ने सुई धागा में अपना स्टारडम छोड़ अति साधारण लुक अपनाया और फिल्म सफल भी रही। जानवी कपूर की पहली फिल्म धड़क भी सुपरहिट रही और वीरे दी वेडिंग में सभी महिला कलाकार थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने अच्छे खासे दर्शक जुटाए। अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे सितारों की फिल्म रेड और पैडमैन हिट जरूर रही, लेकिन उम्मीद इससे कुछ ज्यादा की गई थी। वर्ष के आखिर में रिलीज हुई सिम्बा भी हिट फिल्मों की श्रेणी में शामिल होने वाली है। औसत फिल्में, इस श्रेणी में शामिल फिल्मों ने लागत पर थोड़ा मुनाफा कमाया। अक्षय कुमार की गोल्ड बॉक्स ऑफिस पर औसत साबित हुई। सूरमा 102 नॉट आउट, अक्टूबर, परी और हिचकी का भी बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन औसत ही रहा। फ्लॉप फिल्में, सूची तो बहुत लंबी है, लेकिन बात उन फिल्मों की जिनसे उम्मीद बहुत ज्यादा की थी। बड़ी फ्लॉप फिल्मों में आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान सबसे ऊपर है। करोड़ों की लागत से तैयार इस फिल्म को दिवाली का त्योहार भी डूबने से बचा नहीं पाया। इसी तरह सलमान खान की फिल्म रेस 3 भी असफल ही रही। शाहरुख खान की जीरो भी जीरो ही साबित हुई। तीनों खान को खराब फिल्म करने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। लवयादी के गाने हिट रहे पर फिल्म तो फ्लॉप ही हुई। बत्ती गुल मीटर चालू की बॉक्स ऑफिस पर बत्ती गुल हो गई। यमला पगला दीवाना फिर से में दर्शकों ने बिल्कुल भी रुचि नहीं ली। यही हाल कमल हासन की करोड़ों की फिल्म विश्वरूप 2 का रहा। पलटन और लैला मजनू को भी दर्शक नहीं मिल सके। नमस्ते इंग्लैंड को दर्शकों ने दूर से ही नमस्ते कर लिया। फन्ने खां भी दर्शकों को रिझा नहीं पाई। मुल्क, मंटो, मनमर्जिया बेहतरीन फिल्में थी, लेकिन इन्हें तारीफ मिली, दर्शक नहीं। हॉलीवुड का दबदबा, साल दर साल हॉलीवुड फिल्मों का दबदबा भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ हिंदी में डब हॉलीवुड फिल्मों की बात हो रही है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म ने लगभग 222 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सभी को हैरान कर दिया। मिशन इम्पॉसिबल, फॉलआउट, इनक्रेडिबल्स 2 और जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम भी हिट रही, जबकि वेनम, एंटमैन एंड द वास्प, डेडपूल 2, रैम्पेज, ब्लैक पैंथर और द नन का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन औसत ही रहा।